पति कुछ भी कहने से पहले कुछ जरा सोच ले, क्योंकि अगर पत्नी को पति ने सेकंड हैंड कहा तो कोर्ट ने लगाया पति पर 3 करोड़ रुपए जुर्माना। आज के बाद ऐसा नहीं है कि आप पत्नी को कुछ भी कह देंगे, पत्नी जो है बुरा नहीं मानेगी, पत्नी को भी बुरा लगता है। मामला क्या था, पूरे मामले में क्या हुआ, किस तरह से कोर्ट ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया, पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पे पत्नी का मामला ये था कि हनीमून के दौरान नेपाल में पति ने उसे सेकंड हैंड कहा, क्योंकि उसकी पहली सगाई टूट चुकी थी। बाद में जो पत्नी है उसने अमेरिका में, पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, पति ने उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर लालछन लगाए हैं। अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति की तलाक की याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में कहा कि घरेलू हिंसा उस व्यक्ति के, उस औरत के आत्मसम्मान को प्रभावित करती है जिसे हनीमून पर सेकंड हैंड कहा गया और उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें के पत्नी को, जो कि अलग रह रही थी, 3 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को इस तरह से अगर आप कुछ बोलते हो तो ऑफकोर्स उसको हर्ट होता है मानसिक तौर पर, तो वो बहुत ही प्रताड़ित होती है। इसीलिए हर पति को सावधान रहना चाहिए, पत्नी को कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कहीं वो उसको मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा है। क्या कहना है आपका इस जजमेंट पे, जरूर कॉमेंट में दीजिएगा। धन्यवाद।